Good morning to all. In this video, I'll explain scientific management concept. Starting with the introduction, scientific management was given by F.W. Taylor, who is known as father of scientific management. He was the first to introduce scientific method at workshop level. He was a very intellectual person and had a hand-on experience or hand-on practice as a worker. F.W. Taylor ने स्टील कंपनी दे विच 1878 दे विच लेबरर दा काम शुरू करया सीगा ते उन्हें बहुत हार्डवर्क और डेडिकेशन करके वो 6 साल दे विच वो चीफ इंजीनियर बन गया उसी कंपनी दे विच ते उन्हें बहुत सारिया रिसर्च करिया ते उन्हें देखिया कि उदे आउटकम्स देखे क्या निकले कि जिहड़े वर्कर सीगे जिन्ना वो काम कर सकते सीगे उस तो भी घट काम कर रहे सीगे। सेकंड पॉइंट, ही वॉज अमेज्ड डैट ओनर डोंट हैव एनी कंसर्न अबाउट वेस्टेज। थर्ड आउटकम जिहड़ी निकली ओह सी जिहड़े काम करन दे तरीके सीगे उन्हां दे बहुत अनसाइंटिफिक सीगे जिहदे नाल प्रोडक्शन भी बहुत घट हुंदी सीगी। फोर्थ उन्हें देखिया कि जिहड़े वर्कर सीगे जिहड़ी पोजिशन ते ओह सीगे वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं सीगे। जिहड़े परसन आप वर्कर अपनी एप्रोप्रिएट पोजिशन पर नहीं सीगे तां करके जिहड़ा आउटपुट भी आ रहा सीगा वो बहुत घट आ रहा सी। सो टेलर सॉ द नीड टू मेक मैनेजमेंट साइंटिफिक विद वेल डिफाइंड आइडियाज एंड फिक्स प्रिंसिपल रेदर डिपेंडिंग ऑन हेजी आइडियाज। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड। First is scientific and second is management. Management means getting things done from other. And scientific means कि असी काफ़ी alternate दे विच्चों असी अपना best way लभना हैगा। तो F.W. Taylor ने क्या किया सी, scientific management is art of knowing exactly what you want your mind to do and seeing that they do it in best and cheapest way. असी देखना कि जेड़े पर्सन नूं असी काम दिता हैगा वो वधिया तरीके नाल काम कर रहे हैं, बेस्ट वे नाल काम कर रहे हैं। दैन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट है सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड इट्स यूज इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। F.W. Taylor ने कहा सीगा कि असी जिहड़ा काम हैगा वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे दे नाल करना है ते साइंटिफिक मैनर दे नाल करना है। साइंटिफिक मैनर मीनस कि जिहड़े साडे कोल ऑल्टरनेटिवस हैगे उहदे विच्चों असी बेस्ट वे लभना हैगा काम करन दा। सेकेंड हैगा ब्रिंग्स कंप्लीट मैंटल चेंज। F.W. Taylor ने मैंटल रेवोल्यूशन का कंसैप्ट दिता सीगा। उन्हें इहदे विच क्या किया सीगा कि असी अपनी प्रोडक्शन वल ध्यान देना हैगा, असी अपनी प्रोडक्शन नू ज़्यादा ते बेटर करना है रैदर दैन असी चेज करिए हायर प्रॉफिट्स। उन्हें क्या सीगा जे बैटर प्रोडक्शन करूँगे, मोर प्रोडक्शन करूँगे, ये ऑटोमैटिकली क्या करूँगा हायर प्रॉफिट्स वाल लेके जाऊँगा। तो असी अपनी प्रोडक्शन नू बैटर करना हैगा रैदर दैन चेजिंग हायर प्रॉफिट्स। थर्ड वन इज डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। F.W. ने क्या सीगा कि असी जिहड़ी पुरानी टेक्नीक्स नू डिस्कार्ड कर देना है ते अडोप्ट करनी है न्यू टेक्नीक्स दे नाल। जे असी न्यू टेक्नीक्स अडोप्ट करूँगे तो इहदे नाल साडी जिहड़ी एफिशिएंसी हैगी है वह भी इंप्रूव होएगी। फोर्थ पॉइंट है रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जरवेशन ऑफ रूल्स। रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जरवेशन ऑफ रूल्स दे विच हैगा देयर मस्ट बी सैट ऑफ रूल्स इन अकॉर्डेंस विद द लेड प्लैन्स सो दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। जिहड़े साडे सैट ऑफ रूल्स हैगे हैं वो साडे प्लान दे अकॉर्डिंगली होने चाहिए हैं ताकि असी अपना ऑब्जेक्टिव ईजली अचीव कर सकिए। फिफ्थ पॉइंट है इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। जे असी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट विच भी पढ़िया सीगा कि डिस्कार्ड कर दिए असी ओल्ड टेक्नीक्स नू ते इंप्रूव कर अपनी न्यू टेक्नीक्स नू ले आईए तो इहदे नाल जिहड़े वर्कर्स दी हैगी है वो भी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी। नैक्सट हैगे प्रिंसीपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. Taylor ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिते सीगे साइंटिफिक मैनेजमेंट दे। फर्स्ट हैगा साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। F.W. Taylor ने क्या कहा सीगा साइंस क्या है नॉट द रूल ऑफ थंब।
साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। सपोज करो एक कंपनी है, उन्हें एडवर्टीजमेंट करनी है, तो उदे कोल बहुत सारे मैथड्स है एडवर्टीजमेंट करन दे। वो थ्रू रेडियो एडवर्टीजमेंट कर सकती है, न्यूज़पेपर दे विच एडवर्टीजमेंट कर सकती है, इंटरनेट थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकती है, मैगजीन थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकती है, ते होर बहुत सारे मैथड्स है जिदे नाल कंपनी एडवर्टीजमेंट कर सकती है। तो एफ डबल्यू टेलर ने कहा सीगा कि इन्हां दे विचों जेड़ा बेस्ट वे होएगा वो कंपनी अडोप्ट कर लेगी। नॉट साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ये क्या है कि ये नहीं है कि कंपनी पहले देखेगी एडवर्टीजमेंट थ्रू रेडियो करेगी, जे आउटकम्स नहीं आए तो इनू कैंसल कर देगी, फिर नेक्स्ट पॉइंट न्यूज़पेपर थ्रू एडवर्टीजमेंट करेगी, जे नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होया तो सपोज करो इनू भी क्रॉस कर देगी, दैन जे इंटरनेट थ्रू एडवर्टीजमेंट करेगी, ठीक है, जे ये सू रिजल्ट ज़्यादा आ गए तो ये अडोप्ट कर लेगी। ये साढ़े क्या हो रहे हैं, रिसोर्सिज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे, किन्ने सारे रिसोर्सिज वेस्टेज हो रही है। तो उन्हें कहा सीगा कि असी एडवर्टीजमेंट किस वे नाल करनी है, इस वे नाल करनी है, बेस्ट मैथड चूज़ करना है जिदे नाल सानू रिजल्ट्स भी क्या आ सकन, बैटर आ सकन। तो साइंस के नॉट द रूल ऑफ थंब। सेकेंड पॉइंट है हारमोनी नॉट डिस्कार्ड। हारमोनी क्या है कि कोऑपरेशन होनी चाहिए है। असी लेवल्स पढ़े सके मैनेजमेंट के, तीन लेवल सके, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। मिडिल लेवल क्या है, ये लिंकिंग पेन का काम करता है बिटवीन टॉप लेवल एंड लो लेवल। मिडिल मैन विच मैनेजर्स, ऑनर्स, वर्कर्स, ये क्या है, लिंकिंग पेन है बिटवीन वर्कर्स एंड ऑनर। समटाइम मैनेजर और वर्कर्स दे विच कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। क्यों कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, मैनेजर सोचते हैं कि वर्कर क्या है, लेजी हैं, तो वर्कर सोचते हैं कि मैनेजर सिर्फ उन्हां तो काम करवाना चाहते हैं। तो ये दोनों दे विच क्या हो जाता है, कन्फलिक्ट अराइज हो जाता है जिदे नाल साडी जिहड़े रिजल्ट्स हैगे वो आ नहीं पाते। तो एफ डबल्यू टेलर ने कहा सीगा कि हारमनी होनी चाहिए है दोनों दे विच, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि वर्कर क्या सोचते हैं कि वो अंडरपेड है तो ओवरवर्ड बर्डन है काम के नाल, तो मैनेजर फील क्या करते हैं कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। तो टेलर ने कहा सीगा देयर इज़ नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज दियर एटीट्यूड फॉर ईच अदर, कि दोनों नू अपने एटीट्यूड विच चेंज लेके आना चाहिए है, ठीक है। ये नाल क्या होएगा, साडी एफिशिएंसी इंप्रूव होएगी, तो ये नाल असी काम जिहड़ा है वह भी बहुत वधिया तरीके नाल कर पाऊंगे। नैक्सट पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक एक्सटेंशन है कि हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड का। ये टेलर ने इंसिस्ट किया सीगा, इंसिस्ट करया सीगा दैट टारगेट्स आर सेटअप इन कंसल्टेशन ऑफ द वर्कर। ये टेलर ने कहा सीगा कि वर्कर जेडे खुद ही टारगेट सैट करूँगे ता कि जेड़ा अपना वो अपना बेस्ट दे सकूँगे टू अचीव दैट टारगेट। ये टेलर ने कहा सीगा कि वर्कर्स अपने आइडियाज़ व्यू दे सकन ते मैनेजर उन्होंने आइडियाज़ और व्यू सुनन। ये क्या होएगा, वर्कर बेस्ट करूँगे अपना काम, क्योंकि जो अपने टारगेट्स उन्होंने दोंगे तो उन्होंने अचीव करन दे विच वो अपना बेस्ट दोंगे, जे अपना बेस्ट दोंगे तो ऑटोमैटिकली साडी जिहड़ी बिजनेस हैगा वो भी क्या होएगा, ग्रो कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट हैगा डिवेलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी परसन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशेंसी। ये दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद एफिशेंसी ऑफ इंप्लॉयज विच कुड बी बिल्ड इन फ्रॉम प्रोसेस ऑफ इंप्लॉयज सिलेक्शन। ये क्या सीगा कि देयर शुड बी प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए है
कि वर्कर की जिहड़ी एफिशिएंसी हैगी है वह किहदे ते डिपेंड करती है, प्रॉपर ट्रेनिंग ते सिलेक्शन दे विच। सानू ड्यू कंसीडरेशन किहदे ते देना चाहिए है, सिलेक्शन ते। ठीक है, जदों असी सिलेक्शन ते ड्यू कंसीडरेशन दोंगे तो असी जदों असी सिलेक्ट कर लिया परसन एक सिलेक्ट कर लिया तो असी उहदे स्किल्स दे अकॉर्डिंगली उहनू जॉब देनी हैगी है। जे असी उहनू उहदी स्किल्स दे अकॉर्डिंगली जॉब नहीं दोंगे तो इहदे नाल क्या होएगा, जिहड़ी साडी एफिशिएंसी है वह नहीं आ पाएगी। तो उन्हें क्या सीगा टेलर ने कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी है, तो असी सिलेक्शन किवें करनी हैगी है अकॉर्डिंग टू साडा जिहड़ी रिक्वायरमेंट हैगी है जॉब की, उसके अकॉर्डिंगली जे सिलेक्शन करूँगे तो ये साडी एफिशिएंसी भी क्या होएगी, इंप्रूव होएगी, तो वह अपना क्या बेस्ट दे सकूँगे। थैंक यू।